हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर अनदर न्यू वीडियो। तो आप सभी को हर हर महादेव। तो गाइस, ये है मेरा दिल्ली सीरीज़ का सेकेंड वीडियो। तो काफ़ी दिनों बाद इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, जिसके कारण ये देर से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, आज आप सबको दिखाने वाला हूँ दिल्ली में मैं गया था तो क्या क्या हुआ था और कहाँ कहाँ मैं घूम पाया वो सब चीज़ें, और साथ ही दिल्ली के ट्रैफिक और दिल्ली की खूबसूरती, ये सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। गाइस, फर्स्ट टाइम दिल्ली आया और पता ही इंडिया गेट, लाल किला दोनों विजिट कर लिया। तो गाइस, अभी इंडिया गेट से निकलने का टाइम हो गया है, अभी 8 बजने वाला है और रात भी हो रहा है। और ये देखिए शाम ढल रहा है, शाम के टाइम भी कितना खूबसूरत दिखता है इंडिया गेट। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग्स में। तो मैं अभी जा रहा हूँ लाल किला। तो अभी मैं जस्ट कश्मीरी गेट से आया था तो देखा कि मेरे पास बहुत टाइम है अभी भी घूमने के लिए। तो ये देखिए प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स अभी से देखना स्टार्ट हो गया है। तो मैं जा रहा हूँ अभी लाल किला घूमने के लिए, अकेला हूँ तो अकेला ही ऑटो हायर कर लिया एक। तो यहाँ से कश्मीरी गेट तक 100 रुपया लेगा लाल किला तक। तो लाल किला पहले घूम लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है। तो अभी मेरे पास रात के 11 बजे तक टाइम है घूमने के लिए, तो देखते हैं कि रात 11 बजे तक मैं क्या कर सकता हूँ और जितना हो सके घूमने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को ये जो न्यू दिल्ली है इसको एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कौन सी सड़क है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये जस्ट न्यू दिल्ली से निकल के आई थिंक पहाड़गंज के बाहर का ही ये कोई सड़क है, तो वो मुझे नहीं मालूम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे आप दिल्ली हरियाणा घुसेंगे वैसे आपको इलेक्ट्रिक कार दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सुजुकी की कौन सी है पता नहीं, पर ये भी इलेक्ट्रिक कार है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक कार है यहाँ सब हरे रंग का नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि ये सब इलेक्ट्रिक कार है। तो अभी हालांकि लाल किला का जो दूरी है वो ज़्यादा दूर है नहीं, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला। एकदम सुनसान और वीरान है क्योंकि नीमाया है जो यमुना में जल स्तर बढ़ा है उसका प्रभाव में लाल किला में भी दिखने को मिला है, जिसके कारण ये पूरा बंद कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए। तो ये लाल किला का बाहर लोगों का हुजूम आ पड़ा है देखने के लिए, बट कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसा माना जा रहा है कि पानी के कारण हो सकता है कुछ डैमेज हो गया हो, तो इसीलिए पब्लिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से बस थोड़ा बहुत फोटो सेशन करके कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ कोई भी स्ट्रीट फूड मिलता है तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो सामने जामा मस्जिद है, पर जामा मस्जिद में जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। तो अभी मैं यहाँ से देखता हूँ। तो गाइस, फाइनली अभी मैं लाल किला से निकल गया हूँ इंडिया गेट के लिए। तो हालांकि जामा मस्जिद पास ही में था पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा इंडिया गेट क्योंकि वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसे देखने लोग देश विदेश से बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं। तो जब मैं दिल्ली आया हूँ पहली बार तो मेरा भी मन बनता है उसे देखने। तो मैं अभी यहाँ से निकल पड़ा हूँ न्यू दिल्ली से इंडिया गेट देखने के लिए। तो गाइस, ये है दिल्ली का ट्रैफिक। तो अभी से जाम स्टार्ट शुरू हो गया है। तो ये है ओल्ड इंडिया गेट ऐसा बोला जाता है, तो पीछे अंकल बात कर रहे थे मुझे मालूम नहीं। तो ये है दिल्ली का ट्रैफिक। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं इंडिया गेट के लिए। तो मैं जो ऑटो वाले अंकल है उनसे बात करता जा रहा था कि अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, बिकॉज यहाँ से हरियाणा चंडीगढ़ जाने के लिए 6 से 7-8 हज़ार रुपया कैब में
ले रहा है पर पर्सन, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो रास्ता ख़राब है, इसका मतलब दूसरा को मजबूरी का फ़ायदा उठा के ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ऐसे भी हम लोग टूरिस्ट है, बाहर से आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं तो वहाँ पर गया नहीं क्योंकि मेरे पास उतना बजट है नहीं, तो मैं इस इतना हाई रेंज का जो भाड़ा है इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडिया गेट घूम के वापस अपने घर वेस्ट बंगाल रिटर्न आ जाऊँगा। तो ये दिल्ली की बड़ी ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी मैं लाल किले से जिस रोड से इंडिया गेट जा रहा हूँ, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हालांकि ये मेरा दिल्ली में पहला दिन है, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और मैं आज ही के दिन वापस भी जा रहा हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो दिल्ली को अच्छी से एक्सप्लोर करूँगा, कम से कम कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन यहाँ पर मैं रह सकूँ। तो गाइस फाइनली इंडिया गेट पहुंच गए और अभी इंडिया गेट के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये रहा इंडिया गेट, पहले रास्ता इधर से था तो अभी इसको बनाने के बाद इधर से कर दिया गया। तो गाइस फर्स्ट टाइम दिल्ली आया और आते ही इंडिया गेट लाल किला दोनों विजिट कर लिया। तो अभी इंडिया गेट में हूँ और लाल किला गया था, तो लाल किला अभी बंद है बरसात के कारण, क्योंकि लाल किला जो है डाउन एरिया में है जिसके कारण लाल किला के अंदर पानी है, इसीलिए अंदर जाने नहीं दिया गया। हिमाचल नहीं जा पाया, श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार भी अधूरा रह गया, पर कोई नहीं, दिल्ली घूम के मन को बहला लेते हैं और फिर रात को घर चलते हैं। तो मेरा जो दोस्त अंशुमन वो इसी कारण नहीं आया क्योंकि हिमाचल में बाढ़ आया हुआ है। आई थिंक सामने है कर्तव्य पथ, यहाँ आपको तरह तरह के इंस्टाग्राम रील्स के स्टार मिल जाएंगे वीडियो बनाते हुए। तो गाइस यहाँ पर इंडिया गेट के सामने कुछ देर बैठने के बाद, रेस्ट करने के बाद अभी यहाँ से थोड़ा आगे की ओर जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करके, तो यहाँ पर अक्सर टिकटॉकर लोग ही दिखा जाता है, आप टिकटॉकर कह सकते हैं, बट अब टिकटॉक बैंड है इंडिया में। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ टिकटॉकर ही है, यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं ऑब्वियसली। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, माहौल भी काफ़ी सही है। तो अभी मैं इस साइड से होके मैं कर्तव्य पथ होके निकलूँगा, तो मैं आगे जा रहा हूँ। तो हालांकि अभी शाम हो चुका है, अभी 6:30 बज रहे शाम के, बट पता नहीं चल रहा है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो दिन है वो काफ़ी लेट से ढलता है इसके कारण। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी इंडिया गेट से निकलने का टाइम हो गया है, अभी 8 बजने वाला है और रात भी हो रहा है।
शाम के टाइम भी कितना खूबसूरत दिखता है यह गेट, ये है भारत की शान। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया गेट घूमने आऊँगा, तो फिर भी आया, तो सब महादेव की कृपा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस मेरे साथ एक और दोस्त कोई साथ रहता तो और भी मज़ा आता घूमने में। अकेला हूँ, कोई नहीं, तो अभी यहाँ से सीधा स्टेशन के लिए निकलूँगा और बाकी का जो 3 घंटा है स्टेशन पे ही बिताऊँगा। और मेरा फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। तो इस बार श्रीखंड महादेव नहीं जा पाया, तो इसके चलते आराम दिल्ली घूम लिए। तो अभी घर जाके बोलबम जाऊंगा, बस सोचूंगा कि महादेव ने यहीं पर बुलाए और उनसे वहीं पर मिल लेंगे और श्रीखंड महादेव के लिए अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। तो ये है अंडरपास, तो गाइस यहाँ पर शाम के टाइम पे क्या बवाल ही नज़ारा रहता है। ये देखिए अंडरपास से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये जैसे देख सकते हैं आप। तो शाम के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक सा माहौल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का हुजूम रहता है और शाम के टाइम पर इंडिया गेट घूमने का असली मज़ा है। तो यहाँ पर जो इंडिया गेट है शाम के टाइम पर कुछ इस तरह का दिखता है, ये देख सकते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है आप सबको, कितना प्यारा और ब्यूटीफुल है हमारा इंडिया गेट। तो गाइस मैं इस अंडरपास से होते हुए बाहर निकल जाऊंगा, तो ये कौन सा साइट है इंडिया गेट का मुझे नहीं मालूम, और मैं कहां से घुसा था ये भी नहीं मालूम। तो मैं इस साइड से होके कर्तव्य पथ होके यहाँ से मैं निकल जाऊँगा और स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि अभी बस मेरे पास 2 ही घंटा है, तो मुझे 2 घंटे के अंदर स्टेशन पहुंचना है। तो ये देखिए हमारे खूबसूरत इंडिया गेट और भारत का तिरंगा और साथ ही में दिल्ली की व्यस्त ट्रैफिक। अभी अंडरपास के इस पार आ चुका हूँ, तो अभी सामने से ऑटो खड़ा है। वहाँ से ऑटो ले लेंगे रेलवे स्टेशन के लिए और अभी इंडिया गेट को छोड़ के जा रहा हूँ। लास्ट नेक्स्ट ईयर फिर से आऊँगा, अच्छे से दिल्ली को एक्सप्लोर करूँगा और हो सकता है मेरे साथ एक दो दोस्त भी आए, ये 100% श्योर है, क्योंकि इस बार मैं अकेला हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, कैसा लगा वीडियो ज़रा कमेंट कर देना और साथ ही में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।